सोमवार को सावित्रीबाई फूले की जयंती के अवसर पर शहर में विविध जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी के तहत शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से भी सावित्रीबाई फूले को पुष्प माला अर्पित कर अभिवादन किया गया। कवियत्री और भारत की महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फूले का जन्म महाराष्ट्र में 3 जनवरी 1831 को एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम खंडूजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। सोमवार को उनकी जयंती के अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से भी सावित्रीबाई फूले को पुष्प माला अर्पित कर अभिवादन किया गया। इस अवसर पर बात करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अनिल अहिरकर ने कहा कि वैसे तो जयंती और पुण्यतिथि हम मनाते ही हैं, लेकिन सही मायनों में जयंती तभी मनेगी जब हम उनके कार्यों को अपने जीवन में उतारेंगे। खरं म्हणजे जयंती पुण्यतिथी आपण मनवतच असतो, परंतु खऱ्या अर्थाने जयंती मनवली असं तेव्हा साध्य होईल जेव्हा त्यांनी केलेले कार्य आपण आपल्या स्वतःच्या जीवनामध्ये उपयोगात आणू। आज प्रसंगी मी माझ्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना कार्यकर्त्यांना सांगणार आहे की शिक्षणाचा वसा सावित्रीबाईने जो घेतला होता, कितीही अडचणी आल्या तरी सर्व शक्य होऊ शकते त्यांनी करून दाखवलं। ज्या काळामध्ये महिलेला घराच्या बाहेर पडण्याची परवानगी नव्हती अशा वेळेला त्यांनी महिलांचे शिक्षणाचा पुरस्कार करून त्यांना पुढे वाढवलं। हे फार मोठं कार्य केलेलं आहे। हेच कार्य आमच्या सर्वांच्या हातून होत राहावं अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो। इस अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे, पूर्व आमदार दीनानाथ पडोले, प्रदेश नेते अनिल अहिरकर, श्रीकांत शिवनकर, विशाल खांडेकर समेत अन्य पदाधिकारियों कार्यकर्ता उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहन के साथ दिशा अटवा, BCN न्यूज नागपुर।